दोस्तों मिनी ब्लॉग कितना मिनट का होता है और आपको कितना मिनट का मिनी ब्लॉग बनाना चाहिए ताकि आपका वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए तुम्हारा भाई की जैसा। तो गाइस देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है। जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने एक ही चीज बोलते हो, भाई आप अपने मिनी ब्लॉग का लेंथ कितना रखते हो, कितना मिनट रखते हो या फिर कितना सेकंड रखते हो, ये सारी चीज हमको भी बताओ क्योंकि आपने यहाँ पे मुझे सब कुछ सिखा दिया, वीडियो शूट करना, एडिट करना वगैरह वगैरह समथिंग सब कुछ सिखा दिया मिनी ब्लॉग के बारे में, लेकिन आपने ये नहीं बताया कितना यहाँ पे लेंथ रखना चाहिए जो परफेक्ट है एक मिनी ब्लॉग के लिए। और आप लोगों ने ये भी चीज बोलते हो अगर यहाँ पे हम हमारा मिनी ब्लॉग को कम से कम सेकंड को बनाऊंगा, मानो यहाँ पे 20 सेकंड, 10 सेकंड या फिर मान लो 5 सेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑडियंस वीडियो को पूरा देखेगा 10 सेकंड कोई तो यहाँ पे देख लेगा एकदम इजी तरीके से, तो ये हमारा वीडियो वायरल होगा या फिर नहीं। तो गाइस इसका भी डाउट क्लियर करवा देंगे इस वीडियो के अंदर, तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे यूट्यूबर बनना चाहते हो अभी या फिर इन फ्यूचर, तो ये वाला वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपका यहाँ पे यूट्यूब जर्नी के अंदर। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये जो मिनी ब्लॉग एक शॉर्ट होता है और आपको तो पता है शॉर्ट का यहाँ पे लेंथ कितना होता है, एक मिनट। अगर आप यहाँ पे एक मिनट के ऊपर करोगे तो गाइस आपका शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट नहीं रहेगा, वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक मिनट के नीचे करोगे या फिर एक मिनट करोगे तो गाइस आपका वीडियो यहाँ पे शॉर्ट में चला जाएगा, ये तो सभी को पता है। लेकिन गाइस ये जो हमारा मिनी ब्लॉग यहाँ पे हम कितना लेंथ रखू हमारा मिनी ब्लॉग के अंदर ताकि हमारा मिनी ब्लॉग जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए। सो देखो सबसे पहले मैं अपने चीज दिखाता हूँ, मतलब अपने सारे के सारे वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो मेरी जितना भी सारा वीडियो होता है, जितना भी सारा यहाँ पे मिनी ब्लॉग होता है, उसका लेंथ होता है एक मिनट, ठीक है। अगर एक मिनट नहीं हुआ तो यहाँ पे होता है 59 सेकंड या फिर मान लो यहाँ पे 58 सेकंड। यहाँ पे मैं अपने वीडियो ऐसे ही करके क्रिएट करता हूँ, एक मिनट या फिर मान लो 58-59 सेकंड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे, मतलब ऐसे लेंथ अगर रखोगे, तो गाइस आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे एक मिनट का मिनी ब्लॉग बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप उस मिनी ब्लॉग के अंदर बहुत सारा क्लिप्स लगा पाओगे। और अगर आप लोग यहाँ पे बहुत सारा क्लिप्स लगाओगे तो गाइस आपका मिनी ब्लॉग काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा और काफी अच्छा लगेगा। कोई ऑडियंस अगर उस मिनी ब्लॉग को देखेगा तो उनको पसंद आएगा, क्योंकि गाइस अगर आप लोग यहाँ पे एक मिनट का मिनी ब्लॉग के अंदर क्लिप वगैरह नहीं रखते हो तो आपका मिनी ब्लॉग नहीं होता है, वो कचरा में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपको यहाँ पे एक मिनट करके बनाना होगा। एंड जो भाई मुझे यहाँ पे बोला था हम अगर अपने मिनी ब्लॉग को 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड करेंगे तो हमारा मिनी ब्लॉग वायरल होगा या फिर नहीं, क्योंकि उन लोगों को लगता है यहाँ पे जो ऑडियंस होता है वो तो 10 सेकंड पूरा एकदम देख ही लेगा, एकदम चुटकियों में 10 सेकंड तो ऐसे हो जाता है। सो देखो ऐसे आपका वीडियो वायरल नहीं होगा मिनी ब्लॉग, ये 100% मैं बता रहा हूँ। क्यों बताए, सो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पे कम से कम सेकंड का मिनी ब्लॉग बनाओगे, मान लो 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड, तो 20 सेकंड के अंदर आप लोग क्या दिखाओगे, ब्लॉग आप लोग क्या दिखाओगे, आप लोगों को दिखाना चाहिए ना अपना डेली लाइफ के बारे में। सो 10 सेकंड के अंदर आप लोग कुछ नहीं दिखा सकते हो, जस्ट दो चार क्लिप यहाँ पे दिखाओगे तो 10 सेकंड खत्म। सो वो चीज यहाँ पे मिनी ब्लॉग नहीं होता है। और यही चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग हमेशा यहाँ पे एक मिनट करके मिनी ब्लॉग बनाओ। अगर बनाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, ऑडियंस अपने वीडियोस को पूरा देखेगा। शॉर्ट गाइस क्या होता है, एक मिनट। अगर यहाँ पे एक मिनट कोई बंदा पूरा देख लिया तो यहाँ पे शॉर्ट जो एल्गोरिदम है ना उसको पता चल जाता है यार ऑडियंस इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, एंड यूट्यूब वाला क्या करता है उसी वीडियो को आगे भेजते रहता है आगे शॉर्ट फीड में। तो यहाँ पे एक मिनट करके आपको बनाना होगा। और अगर आप लोग एक मिनट बनाओगे तो बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको समझा दिया, आप लोग बहुत सारा क्लिप्स लगा पाओगे, फिर आपका ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे हाई होगा, आपके वीडियो जल्दी वायरल होगा अपने भाई की जैसा। तो आपको यहाँ पे टाइमिंग के ऊपर फोकस करना होगा, लेंथ के ऊपर। अगर आप लोग सही सलामत अपने वीडियोस को क्रिएट करोगे, बनाओगे, तो गाइस आपका वीडियो डेफिनेटली वायरल होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दिया क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत पूछा, जो यहाँ पे अपलोड करता हूँ वीडियोस वगैरह उसके अंदर जस्ट आप लोगों ने एक ही बोलते हो लेंथ कितना रखो, लेंथ कितना रखो। सो गाइस आप लोग यहाँ पे एक मिनट रखो, कटाई कटाई एक मिनट रखो, या फिर मान लो यहाँ पे 50 सेकंड के ऊपर रखो, उससे नीचे आप लोग मत रखो मिनी ब्लॉग। तो यहाँ पे अगर दूसरा कोई वीडियोस होगा या फिर दूसरा कोई शॉर्ट्स होगा तो आराम से आप लोग यहाँ पे कम से कम सेकंड आप लोग रख सकते हो, लेकिन मिनी ब्लॉग के लिए गाइस आप लोग यहाँ पे एक मिनट रखना। तो सारे चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।